अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ज़रीन किचन में सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दम वाले कीमे की रेसिपी। तो आमतौर पे हम लोग जो कीमा, आलू कीमा और वैसे भुना कीमा तो हम लोग अक्सर घर में बनाते रहते हैं, लेकिन दम वाला कीमा ज़रा स्पेशल होता है, तो वो कभी कभी बनता है। तो चले आए देखते हैं क्या क्या चीज़ें डल रही हैं दम वाले कीमे में। तो ये कीमा ले लिया है, बीफ का कीमा है ये। ये मैंने तीन चार दफ़ा मशीन से निकलवा लिया है। मेरे पास मशीन है घर में, तो मैंने उसी से निकाल लिया है। तो अगर आप लोग बाज़ार से एक दफ़ा कीमा करके लेकर आएँ तो उसे आप चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लेना इस तरह से। तो ये दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको स्लाइस में काट लिया है। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी है 1/2 टीस्पून हमने ली है, और 1.5 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, और 1.5 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर है। ये हमने घर में ही पीसा है, पिसा हुआ, बाज़ार वाला पिसा हुआ नहीं है ये। और ये 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, और 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने ये वो मिर्चें ले ली हैं जो आम हम लोग रोज़मर्रा के सालन में डालते हैं। तो 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। तो यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर है 1/4 चम्मच। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालते, इसका स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून ये मीट टेंडराइज़र ले लिया है, ये हमें इसको गलाने में मदद देगा। इसके बजाय आप पपीते का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का, काली मिर्च मोटी मोटी ये मैंने पीस ली है। 1/4 कप तेल है। नमक आप हसबे जायका लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून लिया है। 2 टेबल स्पून बिल्कुल लेवल हमने आटा ले लिया है, और दही 1 कप ले लिया है। तो अभी हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ ये बाउल में मैंने कीमा डाल दिया है। तो इसमें हम सब मसाले शामिल करते जाएंगे। ये धनिया पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर है, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट है ये। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कीजिएगा बिल्कुल। अब ये आ गया है मीट टेंडराइज़र, और ये जायफल जावित्री का पाउडर है जो ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हरी मिर्चें भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, हम लोग ज़रा खानों में कम नमक इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आ गया है ये दही, और ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गरम मसाला और आटा, दो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि आटे से हमने क्या करना है, तो जब आटा मैं इसमें डालूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे लिए किस लिए ज़रूरी होता है। तो इसको हम अच्छी तरह इसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे फ्लेवर कीमे के अंदर आ जाएँ, और बहुत अच्छा सा हमारा कीमा तैयार हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा कीमा बनता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये हो गया है, अब इसको मैं रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद मैं इसको पकाना शुरू करूँगी। फ्रिज में आप रख सकते हैं इसको। तो आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, और चूल्हा जला लिया है। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, साथ ही ये मैं प्याज डाल रही हूँ। हम इसे ब्राउन करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस नॉर्मल सा कलर उसका चेंज होगा तो फिर हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सब ब्राउन प्याज भी उसमें कीमे में शामिल कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं शामिल करती, मेरा कुछ अलग अंदाज़ है, तो फिर मैं इस तरह पकाती हूँ। अभी ये हमारे यहाँ पे प्याज बन हो जाएगा, तो फिर हम उस पर कीमा शामिल करेंगे।
प्याज हमारा यहाँ पे ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हुआ है ये, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा। कीमा मैंने फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करके, ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है, तो अभी हम इसको इसमें शामिल करें। कीमे के साथ हम आधा कप पानी शामिल कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा, कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा, तो उसके बाद ये बहुत अच्छे से इसमें गल जाएगा। ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा इसमें बिल्कुल, क्योंकि हमारा कीमा बिल्कुल बारीक है, और बस ये 15 से 20 मिनट में हमारा कीमा तैयार हो जाएगा। तो इसको हम में डाल पानी डाल दिया मैंने इसको, अब मैं इसको कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, और 20 मिनट के बाद फिर देखते हैं हम इसकी क्या कंडीशन है। तो फिर मैंने चूल्हा इसको मैं मीडियम कर रही हूँ ताकि ये अपने पानी में और इस पानी में अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर लेते हैं और 20 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। तो 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, तो देखते हैं कीमा की क्या कंडीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कीमा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और गल तो जाहिर है वो वैसे ही गया होगा, गल चुका है बिल्कुल। तो अभी इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे भून लेते हैं, क्योंकि इसकी शुरू में भुनाई नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब यहाँ पे हम शामिल कर देंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाला पाउडर हमेशा आखिर में शामिल किया जाता है, क्योंकि गरम मसाले से, पिसे हुए गरम मसाले से जो है वो सालन काला हो जाता है, इसे हमेशा बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल करें। और यहाँ पे हम ये जो आटा मैंने लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके हम लोगों के बारीक पीसने के बावजूद इसके दाने दाने बिल्कुल अलग हो रहे हैं, तो हम इसमें ये आटा डालेंगे तो इसकी वजह से इसमें एक लेस सी पैदा होगी, और ये सारा कीमा जुड़ा हुआ बनेगा बिल्कुल। तो हम इसको थोड़ा सा इसमें डालने के बाद इसको हम भून लेंगे। आटा आप नॉर्मल कोई भी ले सकते हैं घर का, जो हम रोटी बनाते हैं लाल वाइट या कौन सा भी आप लोग खाते हैं वो, तो ये हमारे बहुत ज़बरदस्त कीमा तैयार हो जाएगा इससे। यहाँ पे हम, यहाँ पे मैंने कोयला रख दिया है साइड पे जलाने के लिए, दम देने के लिए, तो अभी वो बिल्कुल हमारा रेडी हो जाएगा, तो हम इस पे दे देते हैं दम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। और एक बात और भी मैं आपको बताऊँ कि वो मैं जब रेसिपी बता रही थी आप लोगों को, चीज़ें बता रही थी, तो उसमें मैंने गलती से वो ऑयल जो है 1/3 कप बोल दिया, लेकिन वो 1/3 कप नहीं था, 1/4 कप था, यानी आधे से थोड़ा सा कम। इसमें हमें कीमे में ज़्यादा नहीं चाहिए होता क्योंकि नज़र नहीं आता, तो ऐसे वेस्ट करने का कुछ फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे मैं इसमें रख देती हूँ एल्युमिनियम शीट, और उस पर रख देती हूँ कोयला। यहाँ पे इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, 2-3 कतरे, और हम दे देंगे इसको दम 2 से 3 मिनट के लिए। बस इसके बाद ये बिल्कुल तैयार है, अभी हम इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो चले देखते हैं कि ऐसा लगता है हमारा कीमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ज़बरदस्त दम वाला कीमा तैयार हो चुका है, और मैंने इसको पराठों के साथ सर्व किया है। आप लोग चाहें तो इसे पराठों के साथ या चपाती के साथ खा सकते हैं, लेकिन पराठों के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। वैसे तो पराठे हमारे लिए कोई वो अच्छे नहीं है, लेकिन ये ही बात है कि कभी कभी खाना है तो खा सकता है इंसान। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नई आने वाली वीडियो देखते रहें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।